हमारी जो स्पेशल डिशेज हैं उसमें चिकन चीज कबाब, चिकन हजूरे वाला है, इसके अलावा मटन जो बोनलेस है, ये मटन कढ़ाई ब्लैक पेपर है, चिकन शीशताव बोटी है और चिकन मलाई बोटी है, ग्रिल फिश है जो कि सर्दियों की आइटम है लेकिन माशाल्लाह उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। नान में सबसे ज़्यादा जो फेमस नान है वो रोगनी नान है, सो हम लोगों का ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी माशाल्लाह फेमस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद उबैर हसन शाह और आप देख रहे हैं खबरोलॉजी चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए मालूमाती किस्म की वीडियोस लाते हैं, आज भी हम आपके लिए एक ख़ास किस्म की वीडियोस लाए हैं जो फूड से रिलेटेड है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो है इस वक्त रेस्टोरेंट्स के अंदर सिर्फ टेक अवे की जो है वो सहूलत मौजूद है और होम डिलीवरी वगैरह की, जबकि दूसरी सहूलत जो सिटिंग वाली थी वो इस टाइम बंद है। इसकी वजह से आज हमें एक ख़ास किस्म के रेस्टोरेंट पर आए हैं जिसका नाम है देसी रेस्टोरेंट। ये बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है समनाबाद का, और नाज़रीन यहाँ पे जो है इनकी जो खसूसी डिशेज़ हैं उनमें एक चीज़ कबाब है और एक चिकन हजूरे वाला है। इसके ऊपर हमें काफ़ी हमारे देखने वाले लोगों ने कहा था कि आप फूड के ऊपर कोई ख़ास किस्म का प्रोग्राम करें और हमें दिखाएँ, तो इसी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं। और आज नाज़रीन हम आपको दिखाएँगे कि ये क्या क्या और भी डिशेज़ बनाते हैं जो आम रेस्टोरेंट्स पर नहीं होती, जो इन्हीं की सिर्फ खासियत है और सिर्फ इन्हीं के रेस्टोरेंट से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। तो आइए नाज़रीन हम चलते हैं इनके ऑनर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप अपने रेस्टोरेंट के मुतालिक बताएं कि आपकी जो स्पेशल डिशेज़ हैं उसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह करें, उसमें मतलब क्या खासियत है जो बाकी डिशेज़ में नहीं है और उससे वो मुमताज़ है और अलग थलग है। देखिए, हमारी जो स्पेशल डिशेज़ हैं उसमें मेन्यू में सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है वो एक तो है चिकन चीज़ कबाब, जिसको किंग ऑफ द कबाब कस्टमर्स ने टाइटल दिया होगा, और इसके अलावा चिकन हजूरे वाला है जो कि एक मुगलाई डिश है, और इसके अलावा मटन जो बोनलेस है, ये मटन कढ़ाई ब्लैक पेपर है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। सो इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं, चिकन शीशताव बोटी है और चिकन मलाई बोटी है, ये बारबेक्यू का हिस्सा है, और मटन कबाब है, ये कबाब का एक हिस्सा पोर्शन है, और इसके अलावा ग्रिल फिश है जो कि सर्दियों की आइटम है लेकिन माशाल्लाह उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, जो क्योंकि सीजनल आइटम है उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। और डेजर्ट्स में हमारा सैलड्स हैं, कुछ एक दो किस्म के सैलड्स हैं, रशियन सैलड जिस तरह से है, और नान में सबसे ज़्यादा जो फेमस नान है वो रोगनी नान है, सो हम लोगों का ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी माशाल्लाह फेमस हैं। अच्छा सर, जो आपने अपनी दो स्पेशल डिशेस का हमें स्टार्ट में बताया, एक चिकन चीज़ कबाब और एक चिकन हजूरे वाला, इसका थोड़ा सा बताएँ कि इसमें कौन से ख़ास किस्म के अज्जा डालते हैं जिससे मतलब ये अलग थलग है। और दूसरा आपने कहा कि चीज़ कबाब जो है उसको किंग ऑफ द कबाब का आपके कस्टमर्स जो हैं उसको नाम देते हैं, तो उसके अंदर ऐसी क्या ख़ास चीज़ डलती है जो उसको बाकी दूसरे बारबेक्यू आइटम से मुमताज़ करती है? देखिए, जो चिकन हजूरे वाला है बहुत लाइट पेपर्स ही उसमें डलती हैं, और इसमें कुछ हम क्रीम्स ऐड करते हैं, और उसकी ख़ास किस्म की रेसिपी होती है, उस ख़ास किस्म की रेसिपी को हम लोग यूज़ करते हैं, और ख़ास किस्म की कटिंग होती है चिकन की, और ख़ास क्वांटिटी में पकाया जाता है इसको, और उसके बाद एक ख़ास किस्म की क्वांटिटी के साथ हम लोग क्रीम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा फिर यही जो स्पाइसेस हैं जो हमने बनाई हुई है उसी की बिना के ऊपर ही चिकन हजूरे वाला इसको नाम दिया गया, और लोग बहुत फेमस इसको पसंद समझते हैं। और दूसरा ये जो चिकन चीज़ कबाब है, इसमें बेसिकली इतना कुछ नहीं, हम लोगों की ख़ास रेसिपी थोड़ी सी है लेकिन प्योरली चिकन होता है, और इसके अलावा चेडर चीज़, और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स जिस तरह एलिमेंट्स वगैरह, सो ये ऐसी चीज़ें हम डालते हैं, और इसी की बिना के ऊपर ही हम लोग बहुत अच्छा रिस्पांस हासिल कर रहे हैं। सो बेसिकली वो थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ हैं, थोड़े वो कुछ सॉल्ट या पेपर्स कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और उनकी ख़ास क्वान्टिटी इस्तेमाल करते हैं जिसकी बिना के ऊपर ये भट्टी में पक के वो एक ख़ास उनका शाहकार तैयार होता है। आप हमें ये बताइए कि बारबेक्यू और देसी डिशेस तो आपके पास हैं, क्या आपने कोई चाइनीज़ इटालियन डिशेस भी रखी हुई हैं?
जी देखें, हमारे मेन्यू का हिस्सा पहले तो देसी था, क्योंकि देसी ही रेस्टोरेंट है, देसी ही हमने आइटम्स रखी हुई थी। लेकिन अब आके हमने चाइनीज़ भी स्टार्ट किया। लास्ट हमने जो सीज़न था हमारा सर्दियों का, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, और उसमें हमारा चिकन मंचूरियन बहुत फेमस रहा और चिकन चाउमीन बहुत ज़्यादा फेमस रहा। और फ्राइज़ की अगर राइस की बात की जाए तो चिकन फ्राइड राइस और एग फ्राइड राइस, ये दो आइटम्स ही बहुत फेमस रही हैं। और इसके अलावा एक हॉट एंड स्पाइसी सॉस था, सूप था, जिसकी बिना के ऊपर लोग काफ़ी दूर से आते थे वो सूप पीने के लिए। तो अगर लोगों ने खाना खाया भी हुआ है तो ऐसा रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह रहा है कि लोग सूप पीने के लिए सिर्फ आते थे। तो ये चाइनीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह हमारे प्लान में है कि इंशाल्लाह कुछ और भी चीज़ें हम साथ लेके चलें, जिस तरह से अरेबियन भी है और टर्किश डिशेस भी हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे। तो ये आइंदा आने वाले प्लान्स में हैं इंशाल्लाह। हमारे जो गेस्ट हैं, जो दो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे, वो सब कस्टमर्स हमें और भी अब नए का डिमांड करने लग गए हैं। क्योंकि एक रेस्टोरेंट लाइन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि 4 से 5 साल आप एक आइटम को लेके चलते हैं और उसके बाद लोग कहते हैं कुछ समथिंग न्यू होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें साल हुआ है यहाँ पर समनाबाद में, और माशाल्लाह लोग इतना कुछ खा चुके हुए हैं, इतनी बार खा चुके हुए हैं, अब वो कहते हैं कि कुछ न्यू होना चाहिए। सो हम न्यू को देखते हैं, हमने चाइनीज़ स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले सीज़न में हम अरेबियन भी लेके चलेंगे, टर्किश भी लेके चलेंगे, और इसी तरह से अपनी रेसिपीज़ को हम हर हफ्ते मीटिंग्स भी करते हैं शेफ के साथ और इसको इम्प्रूव कर देंगे। आप ये बताइए कि मैंने अभी कुछ इधर कस्टमर्स खड़े हुए थे सामान लेने, तो उन्होंने बताया कि आपका नान कोई बहुत ख़ास किस्म का है, उस हवाले से हमारे नाज़रीन बताएं कौन सा आपका ख़ास नान है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस नान है वो रोगनी नान ही है, जो कि ओवल शेप में तैयार होता है। वो बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी क्वान्टिटी के साथ तैयार किया जाता है। तो बेसिकली तो हम लोग ये सोचते हैं कि रोगनी नान ज़्यादा है, लेकिन जो लोग गार्लिक को पसंद करने वाले हैं तो वो गार्लिक से हटते नहीं हैं। वो जब भी आते हैं, इवन उन्होंने घर के लिए भी खाना करवाना है तो पैक, तो उसके बाद गार्लिक नान अपने लिए करवा के जाते हैं। और एक और चीज़ है हमारी यहाँ तंदूर के आइटम में, वो है चिकन तंदूरी पराठा। वो एक ख़ास रेसिपी हम इस्तेमाल करके वो एक पराठे का एक बनाते हैं, फ्लोर मिक्सचर बनाते हैं, और उसके बाद कुछ अंडे और दूध उसमें मिक्स किया जाता है। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका भी फीडबैक है। अच्छा सर, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। सर ये बताएं कि जैसे इस वक्त कोरोना की वजह से जो है सीटिंग का भी मसला है, बैठा भी नहीं आ सकते, और अगर एक मिसाल है कोई फैमिली है वो घर पे मंगवाना चाहती है होम डिलीवरी, तो उसकी भी कोई सहूलत है आपकी, कोई जैसे होम डिलीवरी ऐप्स इस वक्त हैं प्ले स्टोर से आप करते हैं, क्या कोई इस तरह की भी सहूलत? देखें, हमारा जो फेसबुक के ऊपर पेजेस पेज है उसी के ऊपर ही ज़्यादातर लोग, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है हमारे पेज के ऊपर, वहीं से डायरेक्ट अप्रोच करते हैं लोग। और इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है, वहाँ से डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। और हम लोगों ने होम डिलीवरी सर्विस भी रखी है, टेक अवे भी रखा हुआ है। अब होम डिलीवरी सर्विस के ऊपर आजकल कोरोना की वजह से, क्योंकि हर बंदे की मजबूरी है और रेस्टोरेंट्स ने ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने 100% फ्री होम डिलीवरी सर्विस रखी हुई है। जहाँ से मर्जी वो ऑर्डर दें तो हम लोगों ने उनको फ्री होम डिलीवरी सर्विस देनी देनी है। सो ये दो चीज़ें हैं, टेक अवे होम डिलीवरी चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने वक्त का, और आपने हमें मुकम्मल हमारे नाज़रीन को जो है वो आगाही दी अपने रेस्टोरेंट की डिशेस के हवाले से। और हम चाहेंगे कि आइंदा भी मज़ीद आपकी जो भी नई डिशेज़ आएँ तो वो भी हमारे नाज़रीन तक पहुँचें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे। और मैं अपने नाज़रीन को बस एंड पे यही मैसेज दूँगा कि हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए नया करना चाहते हैं, और हमने हमेशा आइंदा भी आने वाले वक्त में भी यही डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग अपनी क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और नो डाउट हमारी जो क्वालिटी है वो एक इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर मबनी करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको इसी तरह से हम एंटरटेन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सब। जी नाज़रीन, आज का ये हमारा जो प्रोग्राम था ये हमने आपको दिखाया फ़ूड के हवाले से था। और नाज़रीन अभी हम जो है इनकी जो कुछ डिशेज़ हमने ऑर्डर की थी उसको भी हम टेस्ट किया और बहुत मज़ा आया वो खाने के बाद।
और नाज़रीन अगर आप जो है वो कोई इनकी चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो फेसबुक पे इनके पेज का हम लिंक भी आपको देंगे, उसके ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। और उसके साथ साथ नाज़रीन अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम सबसे अलग था जो फूड के हवाले से था। और इसके अंदर हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद उदैर हसन शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।